आपने माफ कर सेकंड पॉइंट इधर वेन डायग्राम पॉइंट किया था, तो वन सीधा सेक्टिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्युनिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्चुअली मैंने तो कुछ सेक्टिव प्रॉपर्टीज है कि मैंने यहां मेंशन कर दिए, देखिए देखो तो ए इंटरसेक्शन का सिंबल अपॉइंटमेंट वाला, ये यूनियन का सिंबल है और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, दोनों पढ़ चुके हैं। तो अपन बस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो अपन बी इंटरसेक्शन ए की कर सकते हैं, करें दोनों सॉल्व करें तो सेम आंसर आएगा। इसी को ही कम्युनिटी लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कर कर पहले से कर कर इसका इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो उससे जो सेट बनता है वही ए को इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर कर और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको सेम सेट मिलेगा। वैसे ही अगर नल सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो नल सेट का इंटरसेक्शन नल होता है। अब ए के अब ये कैसे होता है, मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट नल है, इस नल और इसका इंटरसेक्शन अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, इस सेट कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस तरह आंसर सेम ही आएगा। अब हमने क्या करते हैं, पहले ही ए इंटरसेक्शन
बी निकाल लिया, बी इधर ही दिया हुआ मान लेता हूं पूरा बी दिया तो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट दिया हुआ है तो भी मैं ए माइनस बी निकाल सकता हूं इस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी पेज पर हमने अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 सब ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 हां एक चीज और देख लीजिए, अगर ये ए माइनस बी पार्ट है कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट ए माइनस बी था तो वहीं पर सिर्फ ये वाला पार्ट जहां मैंने चौक चलाई ये वाला पार्ट होगा बी माइनस ए। ठीक है, तो आपने देखिए इसी के बेस के ऊपर थोड़ी बेस एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन फाइंड करना है एक्स और वाई का, क्वेश्चन दिया हुआ एक्स एंड वाई दो सेट दिए हुए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन के एग्जांपल से क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे तुमको आपको आइडिया हो जाए कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज बहुत होने वाली है, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अगला टेस्ट इसी एक्सरसाइज पर चैप्टर को पूरा भी होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, 3 एंड 5, फिर वैसे ही वाई की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, तो अपन को सॉल्व करना होगा x यूनियन y। यूनियन बोला है मतलब u का सिंबल तो दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर, दोनों इंक्लूड होंगे तो 1 और इसमें भी एक एक बार इफेक्ट रिपीट नहीं होता सेट के अंदर, 2 उसमें है इसमें नहीं, फिर 3 दोनों जगह पर एक बार लेंगे एंड 5, तो ये चार सेट चार एलिमेंट बनेंगे एक सेट के अंदर x यूनियन y में। वैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, लेट ए ए कॉमा बी बी ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब सबसेट और यूनियन की बात हो रही है, सबसेट का पढ़ चुके हैं, यूनियन का पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। वैसे ही थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ क्वेश्चन, नाइन्थ एट्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सारे क्वेश्चन इन्हीं बात पर है। एक लेटरल क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, डिस्जॉइंट सेट्स का आता है तो पढ़ा नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार डिस्जॉइंट सेट्स को देख लीजिए, डिस्जॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन के सेट पूरी हो ही जाएगी आपकी। डिस्जॉइंट सेट्स का हम पढ़ लेते हैं, डिस्जॉइंट सेट्स, तो फिर डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए डिसजॉइंट सेट्स मतलब जॉइंट, अगर दो सेट एक दूसरे से जॉइन नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आ रहा है, उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट का कोई एग्जांपल लेकर अगर डिसजॉइंट सेट का आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आप पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल से ये बहुत सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, तो डिस्जॉइंट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि सेट दिया हुआ है ए 1, 2, 3, एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें है 5, 6 एंड 7, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्योंकि ए इंटरसेक्शन की नल सेट लंबवत है, तो सब कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि यहां पर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट। वैसे अब आपसे 1.4 के आप सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एंड 11 एंड 12 सारे कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q, ये जरूर सॉल्व करिएगा। ये r रियल नंबर है, q रैशनल नंबर है, q रैशनल मतलब q मतलब a बाय b के फॉर्म में दिया हुआ, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स अपने सारे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, तो इसमें से अगर आर माइनस क्यू कर दें तो क्या आंसर बचते हैं, क्या क्वेश्चन बचते हैं आपको पता लगाना है, तो ये आपका होमवर्क
थैंक यू।